हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ सरल करेंगे। हम इसका पार्ट डी सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि 4 नंबर का होगा तथा इसमें 2 प्रश्न होंगे, मतलब आपको दोनों में से 1 प्रश्न करना है अथवा में होंगे। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π log 1 + cos x dx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, निश्चित समाकलन का गुणधर्म 4 सबसे ज्यादा काम आने वाला गुणधर्म है। ये गुणधर्म रहा 4 के लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स। मतलब इसमें क्या करना है, दोनों लिमिट को जोड़ के x घटा देते हैं। इसी प्रकार गुण नंबर हमारा 7 है कि यदि एफ 2a माइनस तो वो हो जाएगा एफ एक्स, और लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या करते हैं, इसको दुगुना करके और लिमिट को आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 0 से a लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा समीकरण 1 है। आई बराबर 0 से π लॉग 1 + cos x dx, इसमें हम गुणधर्म 4 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से π लॉग 1 + cos, ये दोनों लिमिट को जोड़ के x घटाएंगे तो ये हो जाएगा cos π - x dx। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2i, और इधर हो जाएगा 0 से π log 1 + cos x dx प्लस 0 से π log 1 + cos π - x dx। 2i बराबर लिमिट 0 से π log 1 + cos x 1 + cos π - x dx। यहाँ हमने क्या किया, log m प्लस log n का सूत्र लगाया, वो होता है log mn, और 2i बराबर 0 से π log 1 + cos x और cos π - x को हमने लिख दिया 1 - cos x। तो ये पूरा हो गया 2i बराबर 0 से π log 1 + cos x 1 - cos x dx। अब यहाँ से देखो, इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी, वो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0 से π log 1 - cos x dx, और 1 - cos x होता है साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया 0 से π log साइन स्क्वायर x dx। log के अंदर घात आगे आ जाती है तो ये हो गया 2i बराबर 2 0 से π log साइन x dx। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो i का मान आ गया 0 से π log साइन x dx। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो sin π - x को sin x लिख सकते हैं, इसका मतलब गुणधर्म 7 का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π log sin x dx। गुणधर्म 7 क्या कहता है, इसको दुगुना करके घात आधा कर दो, तो देखो इसको हमने दुगुना कर दिया और घात 0 से π/2 कर दी log sin x dx, i बराबर 2 0 से π/2। अब गुणधर्म 4 लगा रहे हैं तो log साइन दोनों घात को जोड़ के एक्स घटा दो, तो ये हो जाएगा 2 0 से π/2 log sin π/2 - x dx। sin π/2 - x, इसको हमने लिख दिया cos x, तो ये हो गया 2 0 से π/2 log cos x dx। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i, ये हो गया 2i, और इधर ये 2 तो है ही है, और ये देखो log m प्लस log n, तो ये हो गया log mn, 2i बराबर 2 0 से π/2 log sin x cos x dx। log के अंदर 2 का ही भाग दे दिया और 2 से ही गुणा कर दिया, तो ये हो गया log 1/2 2 sin x cos x dx। इसलिए i बराबर 0 से π/2, और ये त्रिकोणमिति से सूत्र बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 1/2 sin 2x dx, और ये हो गया 0 से π/2। यहाँ हमने log m बटा log n का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, मतलब 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2x को t मान लिया तो ये हो गया 2 dx बराबर dt, और dx बराबर हो गया dt/2। अब सीमा भी चेंज हो जाएगी, जब x बराबर π/2 रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा पाई, और जब x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा 0, तो i बराबर हो गया 1/2, और हमारी नई सीमा आ गई 0 से π, और ये हो गया log sin t dt,
और माइनस डीएक्स का तो समाकलन हो गया एक्स, और फिर हमने उसकी सीमा लगा दी तो वो हो गया पाई बाय टू माइनस जीरो, मतलब माइनस पाई बाय टू लॉग टू। अब देखो, अब इस पूरे फंक्शन को हम आई लिख सकते हैं, तो ये हो गया आई बराबर एक बटा दो और ये आई माइनस पाई बाय टू लॉग टू, तो ये हो जाएगा एक बटा दो आई, और इधर बचा माइनस पाई बाय टू लॉग टू, एक बटा दो से एक बटा दो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आई बराबर माइनस पाई लॉग टू। ये देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया आई बराबर माइनस पाई लॉग टू, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए।